ये शाम और का पहले बनेगा शांत ऐसे वाला, और उसके बाद में इसको बन जाएंगे ये। वैसे ही वैसे ये अंकित ऐसे बनेगा, और उसके बाद इसको हो जाएगा। अंकित, ठीक है, वैसे वैसे ये हो जाएगा अंचित। अंचित, और उसके बाद बनेगा ये अंचित। जैसे संचित होता है ना वैसा अंचित, जैसे अपन ज्यादातर संचित वर्ड यूज करते हैं, अंचित बहुत कम होता है। और ये होगा, पहले बनेगा कुंठित, और अनुस्वार से यही पर सवर्ण से ये बन जाएगा कुंठित। जब भी हम वर्ड्स लिखते हैं, जैसे कि मैंने हर जगह यहाँ पे यहाँ संधि लिख रखा है, ऐसे ये गलत है। अनुस्वार से यही पर परसवर्ण से ये वर्ड हो जाएगा संधि। वैसे संधि तो मैंने फिर भी ठीक लिखे हैं, मैंने गड़बड़ करी है संज्ञा के अंदर सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि संज्ञा के अंदर लिखने के लिए ये वाला वर्ड आधा चाहिए जो टाइपिंग में, बाकी इसको भी ऐसे लिखा जाता है संज्ञा। और यहाँ पर ये क्यों आया कोई सोचेगा, उसका रीजन है कि ये ज और यस मिलकर बना वर्ण है। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे हुए? पहले इन पे लगा नश्च पदांत से, यही जली, नश्च पदांत से जली तो ये बने, और उसके बाद अनुस्वार से यही पढ़ी स्परस वर्ण तो ये बन। ठीक है, इस प्रकार से ये सूत्र इतना परिवर्तन कर देते हैं। अब ये वाली संधि पढ़ने के बाद बहुत लोगों को श्लोक पढ़ते टाइम ना बहुत सारी संधियां नजर आने लगती, क्योंकि ये बहुत मतलब एक वर्ड में जो चार चार बार संधि करा रहे हैं वो तो नजर आएंगे ही ना, तभी एक वर्ड कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। इसी वजह से हम कई बार संस्कृत में वर्ड कहाँ से शुरू हो रहे हैं पता नहीं लगा पाते, जब तक आपने संधि ढंग से नहीं पढ़ी। इसलिए संधि इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें एक और है गुम फिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले गुम फिट, ठीक है, लास्ट में क्या बनेगा? वही बनेगा जो इसमें लिखा हुआ था, से गुम फिट, क्योंकि पर का सवर्ण तो मई है। फिर आगे बढ़ती हूँ। वा पदांतस्य, ये क्या कह रहा है? ये इसी सूत्र का आगे बता रहा है कि अगर यह परे हो तो पदांत अनुस्वार को विकल्प से पवर पर सवर्ण होता है। ठीक है, यहाँ विकल्प आ गया, कब? जब पदांत हो। तो त्वम करोषी, ये क्या हो जाएगा? पहले ये होगा त्वं करोषि, और फिर बनेगा ये अहिता, पूरा मिल गया। फिर बनेगा ये त्वं करोषि। वैसे अगर कोई संयुक्त तो नहीं लिखना चाहिए, लिखने में दिक्कत हो क्योंकि एक के नीचे दूसरा बैठाना पड़ता है, तो मैं पहले वाले में हलन सका था इस तरह से। तो करोशी, ठीक है। फिर आता है अहम लिखामि, तो ये पहले होगा मो अनुस्वार से अहम लिखा में, निश्चय पदार्थ से झील से नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये पद है। ठीक है, फिर इसका हो जाएगा लास्ट में, फिर से क्या होगा?
हम लिखा ठीक है। एक और आता है इसी के क्रम में, मोराजी समक पाऊ, ये क्या कहता है कि क्विबंत राज धातु होने पर, ठीक है, कि क्विब लगने के बाद जो राज धातु है, तो क्विब लगने के बाद इस राज को राड हो जाता है, सम के मकार को म ही रहता है, ये सिर्फ इस वर्ड को फिक्स करता है। एक वर्ड के लिए आता है ना, जैसे हमारी अक्षौहिणी आई थी वैसे ये सम्राट आया है, तो इस सम को म ही रहेगा तो ये बन जाएगा सम्राट, अदरवाइज ये वर्ड नहीं बनेगा। और हम इसे सम्राट ही लिखते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं लिखते, इसे यहाँ पे विकल्प नहीं है, ये परमानेंट सूत्र है, ठीक है। अब ये आगम वाले सूत्र हैं, ये पढ़ेंगे तो लंबा चलेगा, तो और टाइम भी हो रहा है, इस वजह से जो आज पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज स्टार्ट से एंड तक कर देती हूँ, उसके बाद अगर किसी को सवाल हो तो पूछ लेना, और नहीं हो तो तुम्हारी मर्जी। तो स्टार्ट करें, उदस्था स्तंभो पूर्वस्य, ये स्था और स्तंभ धातु पीछे वर्ड पीछे होने पर, अगर उद के पीछे, तो इनका जो पहले वाला वर्ण है इसमें पूर्व सवर्ण आदेश करता है, ठीक है। अभी ये इस सूत्र का अर्थ बताने का काम करता है, और आधे परस से ये बताता है कि इसमें जो स्था और स्तंभ है इसके पहले पहले वर्ण को वो आदेश हो रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएंगे उत्थान, और इसमें फिर आधे परस से जो एक थ है पीछे वाला वर्ण है उद्धम्बन में और ये उत्थान में, उनको उनके डबल डबल वर्ण है उनमें से एक का लोप कर देगा, उस लोप के बाद में जो बचेगा उसको झर झरी सवर्ण के बाद में, नहीं आधे परस की वजह से क्या होगा उसका जो जो ये जो आदेश है वो इसके पहले वर्ण में होगा, झरो झरी सवर्ण में से जो दो वर्ण आए हैं उनमें से एक का लोप हो जाएगा, और फिर खरी च से जो इससे पहले वाला द है उसको त आदेश हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे उत्थान और उत्थम्बन। ठीक है, और खड़ी खरी च के और एग्जाम्पल सुहत कीर्ति सुहत सुहत कीर्ति पृथक और त्व से पृथक्त्व और दिग काल से दिक काल। फिर आता है हमारा झयो हो नित्यस्याम, जो हकार को बदलता है पूर्व सवर्ण करता है, ठीक है। इस हकार के पूर्व सवर्ण होने की वजह से बाद में जो आगे वाला वर्ण है इसमें भी जश आदेश होता है, तो वो वर्ण बन जाता है ये अच और रस्व बन के जस्व, और इसके अलावा तद तत्व और हितम को बन के हो जाता है तद्धित, वाक और हरी मिलके बन जाते हैं वाकघरी, ठीक है। फिर आता है हमारा षच्छोटी, ये क्या कह रहा है, झ से परे स्थित छकार को अट परे होने पर छकार आदेश होता है, ये श को छ करता है, ठीक है। तो जो पीछे वाला छ है वो आगे वाले जो झ है झ के सारे उनको उसमें बदल देता है, जो झ में खास तौर से अगर त वर्ग का कुछ आया तो उसको च वर्ग में बदलेगा, ही बदलेगा का काम है ये करना। फिर आता है मोनुस्वार, मोनुस्वार और नश्चा पदांत से जलि क्या करते हैं, ये अनुस्वार करते हैं, ये करता है पदांत म को अनुस्वार, और ये करता है पद के बीच में या कहीं पर भी आने वाले म और न को, ये करता है अगर कोई पीछे कोई सा भी हल आ जाए, पदांत म के पीछे कोई सा भी हल आ जाए तो उसको के अनुस्वार में बदल देगा, लेकिन बीच के किसी भी म या न में पीछे अगर झल आए तो उसको अनुस्वार करता है नश्चा पदांत से झलि। उसके बाद आता है अनुस्वार से यही परस वर्ण, जो अनुस्वार इन दोनों ने किया है उसको ये परस वर्ण आदेश करता है,
जिसकी वजह से शाम और त, इन तीनों की वजह से शांत हो जाते हैं, अन और कित अंकित हो जाते हैं, अन और चित अंचित हो जाते हैं, और कुन और ठित कुंठित हो जाते हैं, ठीक है, गुमफित गुमफित हो जाते हैं। और वही ये एक और है जो यही काम करता है, अहम और लिखामी को, अहम लिखामी त्वम करोषि को तम करोषि, ठीक है, और ये बनाता है सम्राट। ये हुए आज की रिवीजन। अभी इसमें किसी को सवाल है तो पूछ ले। मैम, इन सब का यूज अनुवाद में भी होगा? अनुवाद में संधि का यूज नहीं होता है, हाँ, लेकिन ये एक बहुत शानदार चीज है अनुवाद के अंदर, कि भाई अनुवाद के अंदर वर्ड कौन सा है, इस बात को पता लगाने के लिए हमें मूल वर्ण कहाँ से शुरू हुए ये पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि त्वं करोषि मिल गया अपन को, ठीक है, कहीं पे। अब त्वं करोषि का मतलब अगर ढूंढने लगेंगे तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वही अपने को पता हो कि भाई ये किससे बने हैं, त्वम और करोषि है, तो हमको पता है भाई तुम करो, ठीक है, इसका अर्थ सीधा सीधा निकल जाएगा, तुम करो, तुम का मतलब तुम, और यही ये यहाँ पता नहीं चल रहा। वैसे के वैसे ये पयांसी या कुंठित कुछ, ये तो चलो इस तरह से स्वर्ण बनते हैं, बनने का उनका पता चलता है। प्रत्यय प्रत्यय लगाते ना अपन जब, तब खास तौर से प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय कौन से, सुप्तिंग, ये तो है ही है, उसके अलावा भी तद्धित कृत, ये सब प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो शब्दों के अर्थ बदलते हैं उनके अकॉर्डिंग, और वहां पर हमारे ये संधि काफी काम आते हैं। कौन सी हल संधि, तो अनुवाद करने में ये इस वजह से काम आते हैं कि हम मूल वर्ण का पता लगा पाते हैं। मूल वर्ण का पता लगाने की वजह से ही हमें पता चलता है कि उसका अर्थ क्या है, वरना ऐसे अभी जैसे हमने ये सूत्र था ना, ये एक सूत्र है, इसका हमको अर्थ करना है, ठीक है, दिख रहा है सबको, इसका अर्थ कैसे करेंगे अपन। इसका अर्थ करने के लिए हमें तीन चीज, चार चार जगह संधि है वो की जानी पड़ेगी। पहले यहाँ पर तो ये उकाला बनेगा, ये एक विसर्ग संधि है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे क्या हो रखा है, पूर्व रूप हो रखा है, ये एक अच संधि है। और दो सूत्र यहाँ पर लगे हैं, एक जलाम जश जशी और एक लगा है हो हा पे, क्या था वो, झयो हो नेत्रस्याम, ठीक है, यहाँ पूर्व रूप वाला वो सूत्र लगा है, एंग पदांत, हाँ, एंगी पर रूप, एंग पदांता दत्ति लगा है यहाँ पे, प्रधानता गति, ठीक है, या जयो होने तरस्याम और जलाम जश जशी, और यहाँ लगा है, यहाँ यहाँ वाला सूत्र याद नहीं आ रहा। तो ऐसे करके चार सूत्र लगे हैं, ठीक है। हमने अगर ये चार सूत्र पढ़ रखे हैं और हमें पता है कि ये इस तरह के सूत्र ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये उकालह अच्छे फिर रस्व दीर्घ बुलत लिखा हुआ है, वरना कैसे पता चलेगा। संधि यहाँ काम आती है अनुवाद के अंदर, उसके अलावा अनुवाद भी करने का काम है। वो जब बूढ़ अर्थ तो थे ना, तब जैसे कि हम जब क्या पढ़ते हैं, जब हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, कौन से, अष्टांग चरक सुश्रुत, वहां ये चीजें बहुत काम आती है। पहला उच्चारण करने में, दूसरा उन चीजों को समझने में कि कैसे वर्ड बने। कई बार ऐसा होता है एक संधि हो रखी होती है, हम समझ ही नहीं पाते, अगर किसी को नहीं पता है कि संधि में इतना परिवर्तन हो जाता है तो
तो पता ही नहीं चलता भाई यहाँ तो ये लिखा है वहां ये लिखा है। अभी जैसे ये रस्व है, रस्व यहाँ जस्व लिखा है, यहाँ रस्व को जस्व आदेश लिखा, तो ये जस्व लिखा हुआ और अच क्या लिखा हुआ है, अच की चक्कर तो ये सिर्फ इतना है। इससे कोई पता लगा सकता है कि अच्छी है जबकि वो अच्छा है। तो इस तरह के चेंजेस ये अपने श्लोकों में भी हो जाते हैं। श्लोक में कौन सा चीज लिखी हुई है, मान लो कि कोई रोग लिखा है, अब उसको लिखा तो कुछ और तरीके से जा रहा है, लेकिन अगर हम उसको संधि कर दी वहीं पर तो उसका रूप बदल जाएगा, उस बदले हुए रूप को हम कैसे पहचानेंगे, संधि की वजह से पहचानेंगे, यही रहता है और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात, आ गई क्या, आंसर करो। यस मैम। ओके और कोई सवाल, सवाल तो कोई नहीं मैम, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। और दूसरा प्रैक्टिस करो कैसे, श्लोक उठाओ, अष्टांग चरक एटसेट्रा के श्लोक उठा के उसके अंदर चेक करो भाई कौन कौन सी कहाँ कहाँ संधि हो रही है, अलग अलग वर्ड करने की कोशिश। उससे क्या है ना बहुत इजी लगेगा, और अगर कुछ हो रहा है चेंज जो ऐसे जाना पहचाना लगे तो एक बार पीडीएफ खोल के देखो कि कौन सा वाला सूत्र लगता है। ठीक है, इससे धीरे धीरे सूत्र याद होंगे और उनका यूज भी पता चलेगा, अदरवाइज मुश्किल है क्योंकि एक साथ इतने सूत्र, मैं एक दिन में 10 सूत्र पढ़ा रही हूँ, कितने हो गए आज के, इतने सूत्र एक साथ दिमाग में नहीं बैठते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लो 12 सूत्र पढ़ा है, एक दिन में 12 सूत्र बैठते हैं या किसी के दिमाग, वो भी संस्कृत के। को ऐसे इस्तेमाल करो, शांति से पढ़ो तो होंगे, पर मुश्किल है। यही तो कह रही हूँ ना, याद ऐसे नहीं होंगे, याद रखने के लिए एक लिस्ट बनाओ सूत्र की। मान लो मैं मेरे को एक बात बताओ कि एलजेब्रा के सूत्र कैसे याद हुए थे, वहां पे भी तो फॉर्मूला थे ना, बाद में बनाने से नहीं बनता। ओके, एलजेब्रा के सूत्र में क्या होता था कि अगर हम मान लो कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं हमने जैसे ये देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर इसको यहाँ लिख लिया और उसके बाद हम करने बैठे तो हो जाएगा। हाँ ये एलजेब्रा से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाँ वो तो है, क्यों, क्योंकि एलजेब्रा अपन पढ़ते हैं 6th क्लास में, उससे पहले हम काउंटिंग पढ़ रहे होते हैं नर्सरी से। अभी तुम लोग काउंटिंग ही अभी पढ़े हो, याद हुए क्या किसी को माहेश्वर सूत्र, तब तो वो याद नहीं होते हैं, बाकी चीजें पढ़ नहीं पाते। सर वही तो महेश्वर सूत्र तो याद हो गया है, हो याद गया, हो गए तो सारे। हो गए, ये यस बड़ी मैम। बात, क्योंकि वो इसकी गिनती है। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, मैथ्स कैसे स्टार्ट करते हैं भाई, पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं, क्या काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3, उसके बाद जोड़ बाकी, उसके बाद गुणा भाग, उसके बाद टेबल वगैरह, उसके बाद जाके अलजेब्रा काम आता है। आता है, एक सीक्वेंस है, वैसे वैसे इसका भी सीक्वेंस तो है, लेकिन हम वो सीक्वेंस जो 5 से 6 साल में उस टाइम पूरा किया था, अभी 2 महीने में पूरा कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा टिपिकल रहता है। टाइम दो इस चीज को, धीरे धीरे समझ। इतना पढ़ा दो बस, पास तो हो ही जाए मैम इसमें। पास तो तुम लोग पक्का हो जाओगे, पता है क्यों, क्योंकि माहेश्वर सूत्र याद हो चुके हैं। अभी क्या होगा कि संधि पूरी होने के बाद में संधि में कितना परिवर्तन हो रहा है वो तो देख ही पा रहे हो, मतलब अब तक नहीं पता था कि ऐसी चीजें भी होती है, वो चीजें देख रहे हो, धीरे धीरे वो चीजें समझ में भी आने लगेंगी। जब अपन बीएमएस में एंटर होते हैं ना, हो जाओगे पास, चिंता मत करो, पेपर है ना ये मेरे पढ़ाने के बाद बहुत सिंपल लगेगा। दूसरा, अभी अपन जैसे संज्ञा में तो इतना कुछ खास था नहीं, लेकिन संधि के बाद में अपन एक्सरसाइज वगैरह करेंगे कैसे, कि भाई कहाँ क्या हो रहा है उस चीज के ऊपर कुछ मेरे को जवाब दिया करो। मैं जवाब का इंतजार इसीलिए करती हूँ, पता है क्यों, क्योंकि अगर उस टाइम आपको कुछ भी आ रहा है और आप जवाब देते हो ना, तो उससे वो ज्यादा समझ में आती है, इसलिए जवाब देना
जरूरी होता है। संस्कृत में अगर आप जब तक जवाब नहीं दोगे ना, तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बैठेगी। होता है ना कि फ्रीक्वेंसी, कई कई बार ऐसा बोलते हैं ना अपन कि ये पढ़ा हुआ तो सारा ऊपर से गया, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। फ्रीक्वेंसी मैच तभी होना शुरू होगी जब पूरा इस तरह से ध्यान होगा कि जवाब देता। तो उस वजह से क्या है कि हाँ हम ये पता, अगर सूत्र नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन जब हम संधि कर रहे हैं उस टाइम जवाब दे पा रहे हो। अगर तुम लोग मान लो मैंने बोल दिया कि ना को अनुस्वार हो जाएगा, तो अगर इसको अगर एक बार बना के ट्राई करोगा तो ईशा के ऊपर आएगा, पीछे आसान से बनेगा। ठीक है, अगर इतना आन लग गया ना, उसके बाद सूत्र इतने भारी नहीं लगे। और इन सूत्रों को याद रखना इतना जरूरी नहीं है, जो याद रखना जरूरी है वो सूत्र में बता दूंगा, सारे सूत्र याद रखने जरूरी नहीं है। जब हम हाँ जब मैंने क्लासरूम प्रोग्राम में बीएमएस फर्स्ट ईयर में पहली बार संस्कृत पढ़ी थी, तब हमारी मैम हमको पता है क्या करती थी, क्लास के अंदर आके पहले सूत्र लिखती थी, फिर वो सबको पढ़ाती थी, मतलब बोलवाती थी पूरी क्लास को एक साथ, उसके बाद उसका अर्थ बताती थी। इससे क्या होता है कि एक बार वो अटेंशन बैठता है, अटेंशन बैठने के बाद में अगर कुछ चीज पता है, सभी संस्कृत के अंदर अटेंशन बैठाना और फ्रिक्वेंसी मैच करना बहुत जरूरी है। इतना इजी नहीं है इसको पढ़ना, ये ऐसी लैंग्वेज है, मतलब ये लिटरेचर भी है और मैथमेटिक्स भी है, दोनों का मिक्सचर है। इस वजह से ये थोड़ी भारी पड़ती है, थोड़ी एनर्जी भी ज्यादा चाहिए इसको पढ़ने के लिए। पता नहीं लिखने वालों ने इसकी व्याकरण कैसे लिख डाली, तो पढ़ने में भी कम आती है क्या? यस मैम। तो बस क्या करना है अभी, हम ये व्यंजन संधि एक दो दिन और लगेंगे, कल की क्लास में भी पूरी नहीं होगी। फिर व्यंजन संधि पूरी करके विसर्ग करेंगे, और विसर्ग करने के बाद दो चार दिन में विसर्ग भी, नेक्स्ट वीक की एंडिंग, नेक्स्ट वीक पूरे तक मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगी, पहले हम संधि को ही वापस समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, ताकि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि पढ़ तो लेते हैं पर आता कितना ही हमें पता नहीं होता, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। अगर 10 में से एक भी सवाल सही कर लियो, कर लोगे ना अभी, तो एग्जाम के टाइम तो ब्रेन है ना अपने आप उस चीज को कैच कर लेता है। मान लो कि नॉर्मल टाइम में अगर अपन 10 में से एक सही कर रहे हैं, तो एग्जाम टाइम में पक्का 4 ही सही करेंगे, ये चीज तो होगी सही, तो इतना तो लेके चलो। उसके बाद रहता है कि हाँ तो 10 में से एक सही कर पाएंगे कि नहीं, ये डाउट, तो ये डाउट पक्का क्लियर हो जाएगा जैसे मैं सवाल पूछूंगी ना तुम में से। अगर तुमने ढंग से क्लास सुनी है तो सिर्फ सुनने की वजह से ही बहुत कुछ याद रख के आंसर दे पाओगे। बाकी मुझे कितने बात, मार्क्स का आता है मैम पेपर में संज्ञा प्रकरण? संज्ञा प्रकरण से एक आधा सवाल, संधि संधि में से भी एक आधा सवाल आता है। एक्चुअल में क्या 50 नंबर की है व्याकरण, व्याकरण और अनुवाद मिला के 50 नंबर का है, बाकी का 50 नंबर तो बाकी वाले लगा रहे, सुश्रुत वगैरह। हमारे टाइम में 100 नंबर का पूरा पेपर व्याकरण पे होता था, व्याकरण भी अभी वाले से ज्यादा आती थी। पर इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने उनको मैक्सिमम मैक्सिमम ही कराया है। अब इसमें से मैं बता दूंगी कि कौन सा ज्यादा ज्यादा है वो, तो इनमें तो सूत्र है ना, तुमको खाली शब्द सिद्ध करना आना चाहिए। सूत्र याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, और सूत्र जो याद रखने हैं तो मैं अभी तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य और तस्माद्युत्तरस्य, ये दो सूत्र हैं ये याद रखने हैं, याद नहीं रखने, इनकी व्याख्या आनी चाहिए। क्यों, ये व्याख्या में पूछे जाने वाले प्रश्न यूजुअली ये व्याख्या में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका ना यूज नहीं पूछते, तभी इसका दूसरा कोई प्रश्न नहीं बनता, इनकी सिर्फ व्याख्या पूछेंगे, तो भाई इनकी व्याख्या आनी चाहिए कि कैसे करो। ठीक है, कुछ होते हैं जहाँ सीधा सीधा ये पूछ सकते हैं कि भाई इसका कौन सा सूत्र है इस तरह के, तो जो भाई गुण संधि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, या गुण संधि करने वाला, या दोनों लिखो कौन सा संज्ञा का है कौन सा, दोनों कभी नहीं पूछते, लेकिन दोनों में से एक यूजुअली पूछा जाता है, गुण या वृद्धि में से कोई भी। तो सूत्र कुछ ही है जिनसे प्रश्न बनते हैं, ज्यादातर सिद्धि के प्रश्न बनते हैं। और अगर जैसे ये अंकित, ये वो उत्थापन, वो उत्थापन जैसा वर्ड है भाई, उद और था
स्थान और उद और स्तंभन लिखा हुआ है, और अगर इतना उत्थापन मैंने तुमको बता दिया है तो जब एग्जाम में आएगा तो आपको सूत्र तो लिखना नहीं है, वैसे भी सीधा सीधा उत्थापन चेपना है, तो उत्थापन चेप आराम से लिख पाओगे ना, क्योंकि वो तो इतना याद रह जाएगा, इतनी मुश्किल से ये वर्ड बना है, एक दो बार देख लिया तो वो याद हो जाता है, यही रहता है और कुछ नहीं। हमारे टाइम में तो वो भी होता था कि जैसे राम शब्द है तो राम के पीछे सुप्रत्यय पूरे लगा के उनकी सिद्धि करना, उसमें भयं खूब सारे सूत्र लगते हैं, एक एक वर्ड की सिद्धि में चार चार पांच पांच सूत्र लगते हैं, तो वो भी सिलेबस में हुआ करता था, अभी शब्द रूपों की सिद्धि नहीं है। इस तरह से वो हमारे टाइम में जो था अभी सीधा सीधा है कि तुम्हारे टाइम में इतनी ज्यादा संस्कृत नहीं है, ये बहुत ही छोटा पार्ट है व्याकरण का, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है संधि भी, ठीक है। तो इसमें ये है कि जहां रूप सिद्धि आनी चाहिए वहां मैं रूप सिद्धि बता दूंगी, और जहां सूत्र पूछे जाने के सवाल होंगे वो मैं बता दूंगी कौन कौन से सूत्र पूछे जा सकते हैं, उतने ही सूत्र याद करना है बस। अभी जो समझ में आ रहा है वो समझ लो, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है, इतना इतना बहुत है। प्रश्नों के बारे में जब संधि पूरी हो जाएगी तब बता दूंगी किस तरह के आते हैं और कैसे करना है उनको, ठीक है। इससे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, एक बार ये समझ लोगे ना तो वो जब जो मैं बाद में बताऊंगी वो चीजें दिमाग में बैठेंगे, इसलिए ये समझाना जरूरी है। वरना तो क्या पता भाई, इसे बोलते हैं ना कि सीधा एग्जाम में क्या आएगा ये पहले ही बता दो तो सीधा वही पढ़े, बाकी वाला पढ़े ही ना, यू भी तो हो सकता है ना, दिमाग यू भी तो आता है ना। तो उस चीज का सीधा ये इलाज है कि जब ये समझ में आएगा ना, जो ये पढ़ने में जो हमारा है ये समझ में आ जाएगा ना एक बार कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ एज इट इज समझ में आ रहा है, वहां दिक्कत नहीं हो रही, तो वो पीछे वाला भी समझ में आ जाएगा जब मैं ये बताऊंगी कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और क्या क्या करना है, ठीक है। तो आज की क्लास अभी ही खत्म करती हूँ, गुड नाइट, थैंक यू मैम।